तो कल को बताया था कि जो जो एटम जो यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, है ना, कोई भी चीजों को मेजर करने के लिए, जिसका मास मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम और ग्राम का। बट हम लोग अगर इन केस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अगर हमको मेजर करना है, देन क्या होता है कि ये जो हमारा किलोग्राम्स एंड ग्राम्स है, दैट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये बिगर यूनिट्स हो जाते हैं, है ना। ये ग्राम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स जो है वो क्या होता है, बिगर यूनिट हो जाते हैं टू मेजर द वेट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, बिकम्स बिगर यूनिट। ये क्या है, बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट टू मेजर, बिगर यूनिट टू मेजर एलिमेंट्स या फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मेजर करने का वेट, जो मॉलिक्यूल्स का वेट है या एटम्स का वेट को मेजर करने के लिए हम लोग को जो किलोग्राम और ग्राम जो है वो दैट बिकम्स अ बिगर यूनिट। ओके, सो हम लोग बेसिकली हम लोग को एक छोटा सा कोई छोटा यूनिट चाहिए था, जिसको जिससे कि हम लोग एटम्स का वेट या मॉलिक्यूल्स हम लोग जान सकें। ठीक है, तो आफ्टर वेरियस अटेम्प्ट्स हम लोग को मिला क्या कि AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, वन एटॉमिक मास यूनिट हम लोग को ग्राम्स और किलोग्राम्स जो है उससे बहुत ही छोटा, जो है जिसको एटम्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो किससे मेजर करते हैं हम लोग, है ना, AMU, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU का वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, क्लियर है, ये था 1 AMU इन इन टर्म्स ऑफ केजी। ठीक है, म्यूट कर लो, है ना, 1 AMU इन के इन टर्म्स ऑफ केजी। जो भी आ रहे हो उसको म्यूट कर लो सभी, ठीक है, बहुत ही आवाज आ रहा है। हाँ ठीक, चलो, तो 1 AMU, तो इसमें क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने सोचा कि बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, है ना, ये सब जो भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ये सब जो भी, सल्फर, जितने भी एलिमेंट्स, उनका हम लोग मासेस जानने का कोशिश करें, लेकिन इनका मास क्या होगा, है ना। तो इनको जानने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के टर्म्स में जो हमने लिया था, हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकालने का कोशिश किया। ठीक है, तो बट ऐसा हुआ कि जब हाइड्रोजन के रेफरेंस में जब हम लोग निकाल रहे थे दूसरे एलिमेंट्स का मास, तो हमें ऐसा मिला कि जो मासेस आ रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के, जो मासेस आ रहे हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रैक्शंस में आ रहे हैं और बहुत ही, अपना क्या कहते हैं उसको, डेसिमल्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट्स का मास अगर आपका आए डेसिबल में, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, इजंट इट। सो जैसे आप देखोगे कि एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटम है ना, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, और हीलियम का, अगर हीलियम का अगर मास आप जानना चाहोगे तो उसको ऑलमोस्ट 4 हाइड्रोजन एटम अगर मिलके अगर उसको करते हैं, तब जाके वो आपका हीलियम के एटम के बराबर होता है ना, और वो भी आपका 3.8 और 3.7 के अप्रोक्स में आता है। बट जो आपका एक्चुअल जो हीलियम का मास है, दैट इज 4 ग्राम, है ना, दैट इज 4 ग्राम। तो इस तरह का डिफिकल्टीज आने लगा। तो हमने और क्या किया, बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ और एलिमेंट्स के साथ, है ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि चलो हाइड्रोजन के साथ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलो हीलियम के साथ करके देखते हैं, है ना, या फिर ऑक्सीजन के साथ करके देखते हैं। तो सब में कुछ ना कुछ, है ना, फ्रैक्शंस ज्यादा आ रहे थे, है ना। तो फाइनली आफ्टर वेरियस अटेम्प्ट्स हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला, है ना, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला जिससे हमारा जो बाकी सारे एलिमेंट्स के जो वेट थे वो क्या हुए, होल नंबर में आने लगे, है ना, होल नंबर में आने लगे। तो हमें उसको नाम दे दिया 1 एटॉमिक। वो कौन सा एलिमेंट था, कार्बन, है ना। आफ्टर कार्बन वेरियस अटेम्प्ट्स, आफ्टर वेरियस अटेम्प्ट्स,
ठीक है, हमने क्या किया, वी फाइनली गॉट वन एलिमेंट, है ना, कार्बन वॉज सेलेक्टेड, कार्बन वॉज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड 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 फॉर रेफरेंस. ठीक है, कार्बन को हमने स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस मान लिया. ठीक है, तो अब देखो क्या मिला कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो हो गया अब हमारे पास, जो इसका नया डेफिनेशन हमको मिला, जो वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, इट इज द मास ऑफ, देखो इट इज द मास इक्वल टू द 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम. ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्बन 12 एटम इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स हैं, है ना, आइसोटोप्स वो आप लोग समझोगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, आइसोटोप्स क्या होते हैं. तो उसमें क्या होता है, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, है ना, बेसिकली तीन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना. तो जो इनका मासेस जो है ना वो अलग अलग होते हैं, एलिमेंट सेम है बट मासेस अलग अलग होते हैं. तो उनमें से हमने क्या लिया है, कार्बन 12 का एटम लिया है ना. तो कार्बन 12 के एटम का जो 1/12 पार्ट होता है दैट इज इक्वल टू द 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि 1/12 ऑफ मास में ऑफ कार्बन 12 एटम क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो, अगर है ना क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो, है ना. सपोज दैट ये आपका कार्बन का एटम हमने लिया, ठीक है, सपोज दैट एक कार्बन का एक एटम लिया हमने, तो उसको मैंने क्या किया 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. ठीक है, उसको क्या किए हम लोग, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए. ठीक है, सपोज दैट ये हो गया दो पार्ट, ये हो गया चार पार्ट, ठीक है, फिर इधर से हो गया ये छः, इसके बाद ये समझ लो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और भी बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, देखो कितना पार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ ठीक, चलो 12 पार्ट्स हो गए हमारे पास, है ना. और ये देखो मैं ड्राइंग में इस तरह दिख रहा है कि ये थोड़ा सेपरेटेड सेपरेटेड बट ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है ना, ये जो आपका एक पार्ट मिला ना ऐसे करके, ठीक है, इस तरह का एक पार्ट जो मिला है ना, दिख रहा है, इसी तरह का है ना. तो ये जो एक पार्ट मिला सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 12 इक्वल पार्ट्स में, एक कार्बन एटम लिया हमने, कार्बन एटम को क्या किया 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया, और उसका जो एक पार्ट का वेट जो होगा है ना, वेट ऑफ वन पार्ट, ये क्या हुआ, वन एटॉमिक मास यूनिट. बात समझ में आ रही है कि वन एएमयू मैंने किसको बोला है ना, जो कार्बन 12 है उसका 12 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, और उसका एक पार्ट को जो लिया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट. क्लियर है, अभी अभी चलो के लिए 2 बजे तक खिलाएंगे, 2 बजे. उज्जवल तिवारी म्यूट, ठीक है, चलो इसे कहते हैं क्या, वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि एक पार्ट कार्बन 12 का एक पार्ट. बात समझ में आ गया, ठीक है. तो इसी तरह से हम लोग को कुछ पहले इतना समझ लिया ना सभी को ये, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, अभी फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो
some important atomic numbers. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स जैसे कि आप लोग समझ जाओ. नॉट अगेन, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स हम लोग देखते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर्स तो आप लोग तो सब जानते ही होंगे ना. एटॉमिक मासेस, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मासेस इसको है बेसिकली, है ना. ठीक है, आप लोग एटॉमिक मासेस तो आप तो शायद रिमेम्बर किए ही होंगे, एटलीस्ट 20 तक तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना. तो कुछ कुछ मैं लिख रहा हूँ, है ना, जिसको आप लोग को अभी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, है ना. सपोज दैट हाइड्रोजन का हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का वन यूनिफाइड मास, वन यू मतलब वन यूनिफाइड मास, है ना. एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन है उसका वन तो नहीं होता है, एक्चुअली इसका होता है 1.0008. ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 1. है ना, 1 ही लेते हैं. ठीक है, 1 ग्राम लेते हैं. ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं, है ना, कौन कर रहा है फिर से ये, अरे भाई कौन है, भाई जिसको क्लास नहीं करना वो लीव कर जाओ ना, क्यों ऐसा कर रहे हो. रितेश रंजन, हाँ सर, ठीक है. तो हाइड्रोजन का कितना होता है, वन यूनिट, है ना, वन यू, वन यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको, क्लियर है. फिर उसके बाद सपोज दैट कि आपका हो गया कार्बन, कार्बन का वेट होता है आपका एटॉमिक मास जो है वो 12 U होता है ना. वन वन जो इसका पार्ट होता है उसको कहते हैं क्या है, वन यूनिफाइड मास, है ना. इसका 12 पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे. अनिश और सुजीत, फाइन, अब ये हमारा क्लास कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. और सुजीत, ठीक, देखता हूँ अब कौन कर रहा है. ये दोनों रिमूव हो गए हैं, ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है. ये हो गया हाइड्रोजन का वन यूनिफाइड मास, कार्बन का 12 यूनिफाइड मास, ठीक है. नाइट्रोजन का जैसे कि होता है 14 यूनिफाइड मास, है ना. ऑक्सीजन 16 होता है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है. उसी तरह यहाँ पे जान लो कि सोडियम, सोडियम हो गया आपका कितना होता है, सोडियम का किसी को पता है, 23, है ना. फिर आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आता है आपका 24, है ना. फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27, ठीक है, 27. जान लो कैल्शियम, कैल्शियम का होता है दैट इज 40, है ना, 40 ग्राम्स कह सकते हो, यूनिफाइड मास मींस व्हाट, ग्राम्स कह सकते हो, है ना. फिर आपका फास्फोरस, ठीक है, इसका है 31, है ना. आप लोग 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके नाम और उनके एटॉमिक नंबर, है ना, और एटॉमिक मास, ये सभी आप लोग एक चार्ट बनाओगे, ठीक है, और उसको आप लोग लर्न करोगे, ठीक है. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और जो एलिमेंट्स है वो, ठीक है. ओके सर. फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर का आप लोग ले लोगे 32, है ना. फिर हो गया क्लोरीन 35,
फिर है आपका पोटेशियम होता है जिसका मास है 39। ओके तो हो गया। तो अब देखो कुछ, अब कैसे हम लोग का कुछ इससे क्वेश्चन अराइज होता है ना। कुछ आप लोग, मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं है ना, कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे और उसके उसके मासेस को लिखा है, ठीक है। आप लोग पूरा 1 से 20 जितना भी है उसको लिख लेना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं मैं उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन में जो आता है एग्जाम में जो आता है, कैलकुलेट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मास है ना। आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, ठीक है। सपोज दैट फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया है, सपोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर का ही ले लिया है ना, वाटर का H2O है ना। आपको बोला कि आप वाटर का मुझे एटॉमिक मास निकाल के दिखाओ, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास जो भी हो, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर इक्वल टू होगा, इसमें क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन एटम्स है, है ना। तो दो हाइड्रोजन एटम्स है इसलिए क्या होगा, 2 × 2 × 1 है ना। इसका मास कितना है, इसका मास 1 यूनिफाइड मास है, ऐसा कितना है 16, इसलिए इसको 2 × 1। और ये जो यहाँ पे जैसे H2O है, बीच में आप समझ लो मल्टीप्लाई साइन है ना, तो मान लो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा प्लस, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्या हुआ यहाँ पे 18 ग्राम, या 18 ग्राम से 18 यूनिफाइड मास बोल सकते हो, ठीक है। नंबर है, नंबर टू ट्राई करो सभी कोई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका बात करो, इसका कितना होगा एटॉमिक मास बताओ मुझे, मॉलिक्यूलर मास बताओ, 36 ग्राम्स। चलो नंबर थ्री का मुझे बताओ, आप बताओ NaCl सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 58। पहले क्या लिखा है ना, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35 आ जाएगा 58। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर फोर आप लोग निकालो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH द होल टू, इसका निकाल के दिखाओ मुझे जरा, OH CaOH द होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ चलो देखते हैं, 22 कैल्शियम का कितना होगा, 40 है ना, 40 प्लस है ना। ऑक्सीजन का कितना है 16 है ना, और OH का और सॉरी H का 1, यही ना है ना, इसी को मल्टीप्लाई है कितना से, 2 से, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस इसी को करना है, 40 प्लस 17 इंटू 2 कितना होता है, 17 इंटू 34 है ना, कितना आएगा 74।
ठीक है, किसी का आया था? चलो ठीक है, नेक्स्ट करो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, इसका मुझे बताओ तो, सल्फ्यूरिक एसिड98, वेरी गुड। और किसी का आया? चलो देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मीन्स 1 × 2 हो गया, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 × 2 प्लस सल्फर है, सल्फर मीन्स कितना होता है सल्फर का, 32, ठीक है, सल्फर का 32, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 × 16 है ना, तो ये आपका आ गया 2 + 32 + 64 है ना, इसको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 98। क्लियर है? यस सर, एटॉमिक मास निकालने, मॉलिक्यूलर मास निकालने का सभी को पता चल जाएगा, निकाल लोगे एग्जाम में तो कोई कंफ्यूजन? ट्राई करना सर, और ट्राई करना, और अभी तो डिस्कस करेंगे बहुत सारा है ना। चलो तो एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग फॉर द टाइम बीइंग, मोल्स, मोल्स के बारे में आप लोगों को कुछ पता है ना, मोल्स, मोल्स किसे कहते हैं, ठीक है, मोल्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर जानना चाहोगे तो मोल्स क्या होता है, ये होता है क्या, गिवन मास है ना, या फिर इससे बेटर होगा आप लोग कहो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास है ना, कि सपोज दैट कि आपको बोला जाए कि आपके पास है 4 ग्राम ऑफ, आपके बोला कि 4 ग्राम ऑफ, आपके पास 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 4 ग्राम है आपके पास, ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू हैव, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स n है ना, इसको n मोल्स को क्या कैसे नोट करते हैं, स्मॉल n से, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बोला, गिवन मास, गिवन मास क्या है हमारे पास, 4 ग्राम है ना, 4 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का, कितना है, 16, तो कितना आएगा हमारे पास, 4 1/4 है ना, 1/4 सपोज दैट इसी तरह से आपको अगर समझ आए, वेट, अगर आपको बोला कि सपोज दैट, हाँ गिवन है 4 ग्राम ऑफ, या फिर कहो, हाँ चलो 4 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O है आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर गिवन मास मींस 4 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, कितना होता है, दो हाइड्रोजन 2 × 1 होगा 18 प्लस 16 कितना होगा 18 है ना, तो आपका मोल्स क्या आएगा 2/9
क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डज वन मोल हैव, है ना? तो इसमें क्या होता है, एक आप ध्यान से सुनना ये बात, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैसे करते हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल इज कॉल्ड व्हाट, अवोगाड्रोस नंबर, है ना, चेक कर लेना। ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कहलाता है, अवोगाड्रोस नंबर। नंबर अवोगाड्रोस नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन ए से, है ना, कैपिटल एन ए। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स इन वन मोल इज कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर एंड दैट इज डिनोटेड बाय एन ए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सपोज दैट कि अगर आपको बोला कि यहाँ पे एन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना आया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे आपके 2/9, अगर आपसे पूछा जाता, इसी क्वेश्चन में पूछ देता, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब क्या करते आप लोग, सिंपल मैथमेटिक्स है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब क्या करते, क्या करते, तो उसमें इक्वेट कर देते हैं। हाँ, क्या करते, देखो वन मोल बराबर आपका आता है कितने मॉलिक्यूल्स, है ना, एन ए, और सॉरी एक चीज बताना भूल गया, और एन ए का जो वैल्यू आता है अवोगाड्रो नंबर, है ना, अवोगाड्रो नंबर इक्वल टू होता है 6.0622 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, 10^23 मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है, जो अवोगाड्रो नंबर होता है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक अवोगाड्रो नंबर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वन मोल ऑफ, वन मोल कंटेंस कितना, एन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारे पास कितना मोल्स प्रेजेंट है, 2/9, है ना, तो 2/9 मोल क्या होगा, इज इक्वल टू 2/9 इंटू एन ए, एन ए का वैल्यू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, है कि नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड है ना, इतने कभी इसी को घुमाते फिराते रहेगा, है ना, कभी उधर से पूछेगा, कभी इस तरफ से पूछेगा, कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, आपको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो वो आप घुमाते फिराते रहेगा, उसको आप लोग बस यूनिटरी मेथड लगाना है और बनाना है ना, आपको बस सिंपल सा एक चीज याद रखना है, ये वाला, कौन सा चीज, ये अभी जो मैं नोट कर रहा हूँ, वन मोल बराबर होता है एन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, और दैट इज इक्वल टू है अवोगाड्रोस नंबर। क्लियर, इसी से आपका जितना भी क्वेश्चन है इसी में सारा समा जाएगा। बात समझ में आ रही है, आप कोशिश करना क्वेश्चन करने का, है ना, अब मैं ये गारंटी देता हूँ आप कहीं भी नहीं अटकोगे, जहां भी अटके मैं हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आप लोग घर पे आप पढ़ाई करो, है ना, अभी